अम्बाला में जिला कष्ट एवं निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता परिवहन आवास एवं जेल मंत्री कृष्णलाल पवार ने की। बैठक में पवार के समक्ष 14 समस्याएं आईं, जिसमें से 10 समस्याओं को मौके पर ही निपटा दिया गया। बैठक के दौरान पवार अधिकारियों की अनुपस्थिति कम होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। पवार ने इस दौरान चीफ इलेक्ट्रिकल से एक एक्सएन व यूएचबी वीएन के नारायणगढ़ एक्सएन को चार्जशीट करने के आदेश दिए। बैठक में अधिकारियों के खिलाफ आई शिकायतों पर उच्च अधिकारियों ने ज्यादातर शिकायतों पर उन्हें क्लीन चिट दी, क्योंकि जांच भी अधिकारी कर रहे हैं और आरोप भी अधिकारियों पर लगे होते हैं। जिस पर परिवहन आवास एवं जेल मंत्री कृष्णलाल पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। जांच के लिए वे एक कष्ट निवारण समिति के सदस्यों को अटैच करते हैं। हुड्डा व तवर की यात्राओं पर इस दौरान कृष्णलाल पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हुड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए रथ यात्रा शुरू की तो पहले उन्हें फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद तवर की साइकिल इंद्री में पंचर हो गई। उन्होंने कहा फ्रैक्चर व पंचर का सिलसिला जारी है। अम्बाला से कृष्ण बाली, आजाद टीवी न्यूज। जब से ये अधिकारी, कभी इन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की और बार बार मैंने इनको वार्निंग दी है आप मीटिंग में आइए, तो इसलिए उनको सस्पेंड किया है। किसी मीटिंग में आज तक इनकी हाजिरी नहीं हुई। और चीफ इलेक्ट्रिकल इनका इंस्पेक्टर पूरे हरियाणा का चंडीगढ़ बैठता है, लेकिन वहां से एक एक एक्शन को तीन तीन चार डिस्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन इसमें एक्शन को बार बार हमने वार्निंग दी है, चिट्ठी लिखी डिपार्टमेंट को, एक्शन आए लेकिन ना आने की वजह से मजबूरन में चार चौथी मेरी कन्वेंशन कमेटी है, इसलिए सस्पेंशन किया गया है।